नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रत्ना और मेरी रसोई में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसा डिश बना रही हूँ जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही इजी भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रबड़ी की। रबड़ी अपने आप में एक मिठाई भी है जिसे हम किसी और डिश के ऊपर भी लगाकर स्वादिष्ट बना सकते हैं उस डिश को। जैसे कि हम जब घेवर बनाते हैं तो घेवर के ऊपर जब आप रबड़ी लगा देंगे तो घेवर का टेस्ट कई गुना ज़्यादा और बढ़ जाता है। मालपुआ के ऊपर भी हम रबड़ी बनाकर लगा सकते हैं, क्योंकि रबड़ी अपने आप में मिठाई भी है तो इसे ऐसे भी खाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। पहले मैं इस दूध को उबाल लेती हूँ, इसमें बॉयल आने देते हैं। थोड़ी ही देर में दूध में उबाल आ गया है और दूध को चला लेंगे। गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे, इतना कम कि नीचे से ये उबलता रहे और ऊपर से हल्की हल्की परत मलाई की जमती रहे। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मलाई की परत इस तरह से ऊपर से जमेगी और इसे हम साइड करते जाएंगे। यही प्रोसेस हमें पूरा दूध गाढ़ा होने तक रिपीट करना है। जैसे ही ऊपर मलाई की परत जमे, हमें उसे साइड करके किनारे करते जाना है इस तरह से, ताकि जो हमारा रबड़ी का लच्छा है वो बन सके। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप दूध के सामने ही खड़े रहें और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहें। देखिए, दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और हमारी मलाई जो है वो भी साइड में अच्छी मात्रा में जमती जा रही है। तो बहुत ही अच्छा रबड़ी हमारा तैयार होने वाला है फ्रेंड्स। ये नीचे से उबल रहा है, ऊपर से मलाई जम रही है और ये मलाई हमने इस तरह से साइड में करते जाना है। यही प्रोसेस रिपीट करते करते ये दूध इतना गाढ़ा हो गया है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और ये क्वांटिटी में करीब 200 ml के आसपास बच गया है। दूध हमारा कितना था? 1 लीटर, और बचा कितना है? 200 ml। तो अब हम इसमें मिठास के लिए चीनी डालें या फिर मिश्री, शहद, कुछ भी इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता। और इसे मिक्स करेंगे। करीब 50 ml दूध और गाढ़ा होने देते हैं और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। मतलब 150 ml जब हमारा दूध बच जाए तो गैस को हम बंद करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे इलायची की पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा और गाढ़ा हो गया है और ये 150 ml अब बच गया है दूध, तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। गैस से उतार लेंगे और चारों तरफ का ये जो मलाई है उसे हटा लेंगे हम। मिक्स करने के बाद ये रबड़ी हमारी तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छी रबड़ी हमारी बन गई है। तो अब आप भी अपने घर पर ही बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी रबड़ी बनाकर रेडी करें। अपनी मिठाई को, अपने घेवर को और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएं और इसे इंजॉय करें। मिलती हूँ कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।